are the only one. हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ सुपर ह्यूमन मूवीज के बारे में, मतलब ऐसी मूवीज जिनके अंदर इंसानों को या तो जन्म से या तो एक्सीडेंटली कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो कहलाते हैं सुपर ह्यूमन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th मूवी सोलास, ये मूवी आई थी 2015 में। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक साइकिक की, जिसको FBI ने हायर किया है ताकि वो लोग मिलकर एक सीरियल किलर को पकड़ सकें, क्योंकि ये सीरियल किलर काफी समय से लोगों को मार रहा है लेकिन आज तक FBI कभी भी इसको पकड़ नहीं पाई। क्यों पकड़ नहीं पाई? क्योंकि इसके पास पावर्स हैं भविष्य देखने की, जिसकी वजह से पहले ही देख लेता है कि कब इसको FBI पकड़ने वाली है। इसकी वजह से हर बार बच जाता है। पर क्या ये साइकिक इसको पकड़ पाता है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस साइकिक के पास क्या पावर्स हैं वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी क्रॉनिकल, ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 3 हाई स्कूल बच्चों की, जो लोग एक दिन कहीं पे घूम रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक अंडरग्राउंड जगह दिखती है। वो लोग उसमें जाते हैं और वहां पे उनको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से उनको उनकी सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग उन सुपर पावर्स का बिना सोचे समझे यूज करने लगते हैं, काफी बार लोगों को डराने के लिए, उनको तंग करने के लिए और काफी बार लोगों की मदद करने के लिए। पर इसी बीच ये लोग अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर लोगों को तंग करने लगते हैं, लोगों के लिए खतरा बनने लगते हैं। ऐसे में क्या नॉर्मल ह्यूमंस इन सुपर हीरोज को रोक पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 7.0 आउट ऑफ 9 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी रेड लाइट, से मूवी आई थी 2012 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक साइकोलॉजिस्ट की, जो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर जाती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर स्टडी करने के लिए कि लोग जो बता रहे हैं वो सही भी है या सिर्फ एक ही फ्रॉड है या इन लोगों के मन का बहम है। इसी बीच इन लोगों को पता लगता है एक बहुत ही बड़े साइकिक के बारे में, जो काफी समय से गायब था, उसका कोई भी पता नहीं था, पर सडनली वो रीअपेयर हो गया है लोगों के बीच में और लोग इसको काफी पसंद भी करते हैं। पर इस असिस्टेंट को डाउट है इसके ऊपर कि आखिर इतने समय तक ये था कहां और क्या इसके पास सच में कुछ साइकिक पावर्स हैं या नहीं, या लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है पुश, ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 2 यंग अमेरिकन की, एक एडल्ट और एक 13 साल की बच्ची, जो लोग हांगकांग के अंदर होते हैं। वहां पे इनको एक लड़की को ढूंढना होता है और साथ ही साथ एक ब्रीफ केस को भी ढूंढना होता है, पर इन लोगों के पीछे कुछ बहुत ही बुरे लोग पड़े हुए हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं और इन लोगों के पास भी सुपर पावर्स हैं। ऐसे में जब ये टकराते हैं तो क्या होता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और ये लोग ब्रीफ केस को और उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी I Am Number 4, ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की, जो आया है दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे, यहां पे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कुछ इंटरगैलेक्टिक बाउंटी हंटर है जो इन लोगों को मार रहे हैं। पर इन लोगों को मारा जा सकता है सिर्फ न्यूमेरिकल ऑर्डर में, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब सीक्वेंस में ही इनको मारा जा सकता है। पहले 1 को मरना होगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, सिर्फ ऐसे ही इन लोगों को मारा जा सकता है। और अब बारी है नंबर 4 की। नंबर 4 अपने आप को बचा पाता है नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ट्रांसेंडेंस, मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक साइंटिस्ट की, जिसको ये बिलीव होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानियत का फ्यूचर होंगी और इंसानियत की बहुत मदद करेंगी फ्यूचर में, जिसकी वजह से उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ये एक बहुत ही एडवांस AI को बनाने के काम पे लगा होता है, पर कुछ लोगों को ये लगता है कि इंसानियत के लिए AI सबसे बड़ा खतरा और फ्यूचर में इंसान इन लोगों के गुलाम बन जाएंगे, जिस वजह से वो लोग इस डॉक्टर को शूट कर देते हैं। इसकी जान तो बच जाती है लेकिन उस गोली की वजह से इसको कोई और बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ ही समय में मरने वाला है। पर इसकी पत्नी इससे बहुत प्यार करती है और वो डिसाइड करती है वो इसके ब्रेन को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर देगी। क्या वो अपने इस मिशन में कंप्लीट हो पाती है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है जंपर, ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक टीनेज लड़की की, जिसको एक दिन पता लगता है कि वो एक म्यूटेंट है, उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो कहीं भी इंस्टेंटली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में टेलीपोर्ट हो सकता है, अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बस उसको जिस जगह जाना है उस जगह के बारे में उसको सोचना है और वो तुरंत वहां पे पहुंच जाएगा। और ये अपनी इस शक्ति का बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करता है। ये लॉकर्स में जाके, बैंक के लॉकर्स में जाके पैसे चोरी कर लेता है, बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीता है। पर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आती है जब एक आदमी, जिन लोगों को इनके बारे में पहले से ही पता, उसको पता है इन लोगों को कैसे रोका जा सकता है, और वो इस लड़के के पीछे पड़ चुका है। आखिर वो इस लड़के को क्यों पकड़ना चाहता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और उसको कैसे पता इन लोगों के बारे में, ये भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी
हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। इसको रेटिंग्स मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है वांटेड। ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस वर्कर की, जिसको एक दिन एक लड़की मिलती है और उसको बताती है कि वो एक सुपर ह्यूमन है। उसके पास सुपर ह्यूमन किलिंग एबिलिटी है, जिसके जरिए वो दुश्मनों को मार सकता है बहुत ही आसानी से। और वो लड़की इसको ऑफर करती है कि ये उन लोगों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसके पिता को जिन लोगों ने मारा है ये लोग मिलके उससे बदला ले सकते हैं, उन लोगों को मार सकते हैं। आखिर वो सुपर ह्यूमन किलिंग एबिलिटीज क्या है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है लिमिटलेस। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक राइटर की, जो अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता, सब कुछ गलत जा रहा होता। पर उसी बीच एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जो इसको एक मिस्टीरियस पिल देता है, एक गोली देता है, जिसको खाने के बाद ये अपने दिमाग के उन हिस्सों को भी यूज कर सकता है जो काफी समय से इनेबल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, काफी सारे काम एक साथ कर सकता है। और अभी तक ये अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता, पर इस पिल को लेने के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पाने लगता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अमीर बनने लगता है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं और इससे इंस्पायर होने लगते हैं। पर इन सब खुशियों के साथ में ये गोली इसके लिए बहुत सारे डेंजर्स भी लेके आई है। आखिर वो खतरे क्या है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी है लूसी। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक वुमन की, जो एक्सीडेंटली एक ऐसा ड्रग ले लेती है जिसकी वजह से वो अपने ब्रेन के 100% यानी 100% कैपेसिटी को यूज करने की क्षमता पा लेती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सी सुपर पावर्स आ जाती हैं। आपने काफी बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर हम अपने दिमाग की क्षमता का 10%, 20% या 30% यूज करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स आ जाएंगी। पर एक्चुअल में वो सुपर पावर्स कौन सी हैं वो आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगा। और अगर इंसान अपने दिमाग की पूरी 100% कैपेसिटी का यूज करे तो क्या होता है वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।